अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली, आज हम आपको न्यू वॉल हैंगिंग बनाना सिखाएंगे न्यू स्टाइल की। इसके लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है पेंसिल, स्टिक्स, कोई भी स्टिक ले सकते हैं आप उसको रोल करने के लिए, गम स्टिक, सीज़र और कोई भी पुराना कैलेंडर लेंगे जिसके ज़रिए हम अपने वॉल हैंगिंग बनाएंगे। ये हमारे पास पुराना कैलेंडर है, इसमें से हमने ये पेपर कट किया है। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 4.5 इंच इसकी लंबाई है। ये पेपर हम 18 काटेंगे, 18 अदद होंगे हमारे पास कट होके। ये दूसरा पेपर है हमारे पास, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 3.5 इंच है। ये हम 4 अदद कटिंग करेंगे और इसी तरह ये हमारे पास स्मॉल पीस है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच इसकी लंबाई है, ये भी हम 4 काटेंगे। ये हमने कैलेंडर से कट कर लिया है, अब हम इनके कोन बनाएंगे। देखिए हमारी 3 साइज की कोन बनके तैयार हो गई है। अब आपने जो पेपर कटिंग की है ना उन तमाम की इसी तरह कोन बना लिए। ये देखिए हमारी तमाम कोन बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको कलर करेंगे। इसके लिए हमने कुछ कलर्स यहाँ रखे हुए हैं, स्पंज रखा हुआ है जिससे हम इन कोन पे कलर करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर कर सकते हैं। हम यहाँ अपनी कोन्स को ऑरेंज कलर करेंगे। यहाँ अपनी कोन को ऑरेंज कलर कर रहे हैं। आपको जो कलर पसंद आ रहा है आप अपनी मर्जी से उनको कलर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये ना। इसी तरह हम तमाम कोन्स को कलर करेंगे। कलर्स करने के बाद हम आपसे मिलेंगे। Thank you.
हमारी तमाम कॉन्स बन के तैयार हो गई हैं, हमने कलर कर लिया, अब ये सूख भी चुकी हैं। अब हम एक ही सर्कल कट करेंगे और उस पर ये तमाम अपनी कॉन्स पेस्ट करेंगे और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह करना है। हमने ये अपने ना कौन से फ्लावर कंप्लीट कर लिया है और ये छोटे छोटे से हाफ फ्लावर कली की तरह से बनाए हैं जो हम फ्लावर के नीचे किसी डोरी से लटकाएंगे जो बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। ये बड़े फ्लावर के साथ हम बीच में एक छोटा फ्लावर रखेंगे ताकि ये बहुत खूबसूरत नज़र आए। ये हमने अपने कौन वाले फ्लावर के दरमियान में रखने के लिए फॉर्मिक से ये बहुत प्यारा से एक फ्लावर बनाया है जिसे हम अपने फॉर्मिक के फ्लावर को इस पे रखेंगे। इसे हम किसी भी गम से ग्लू से पेस्ट कर देंगे। आपके पास कोई भी डोरी हो, धना को, किरण हो, कुछ भी हो, आप उससे जो आपको खूबसूरत लगे आप उससे इसके लटकन बना सकती हैं। ये हमने हैंग करने के लिए डोरी लगा दी ताकि हम इसको हैंग कर सकें वॉल पर। यह हमारा कंप्लीट हो गया है वॉल हैंगिंग। अब हम इसको हैंग करेंगे वॉल पे अपनी। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए वॉल हैंगिंग हमारा बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। जिस कलर में चाहे, जो कलर आपको पसंद हो, आप वो कलर करके अपने वॉल हैंगिंग बना सकती हैं। अगर आपको हमारी वॉल हैंगिंग पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।